बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपको पता है टिड्डी दिल की वजह से हमारे सूबे में एक परेशानी आई है, जिससे ज़मींदार तबका बहुत परेशान है और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सुबह शाम लगा हुआ है कि लोगों को इस मसले से निजात दिलाए। तो हमें इस भी वज़ीर आला साहब ने हुक्म दिया है कि जितना आप लोग हो सकें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लॉजिस्टिक सपोर्ट दें, तो हम उनके साथ खड़े हैं। वो इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी खड़ा है, जितनी भी चीज़ें उनकी ज़रूरत होगी PDM में उनके साथ खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़िया साहब का और इनके डिपार्टमेंट PDMA का मशकूर हूँ कि बलूचिस्तान की सतह पर टड्डी दिल के कंट्रोल के लिए PDMA हमारे साथ मुकम्मल तआवुन कर रही है और जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है ज़िया साहब अपनी सरबराई में PDMA के DGs और उनका स्टाफ जो है माशाल्लाह हमें बर वक्त वो जो ज़रूरियात होती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो मशीनरी हो, तो वो हमें मुहैया कर रहे हैं। आज भी ये मौका है जो इस मौके पे जिन्होंने हमें ट्रैक्टर दिया, इसके लिए मशकूर हूँ। और दूसरे जो है टड्डी दिल जो है, ये मैंने पहले भी कहा है, ये एक रीजनल इशू है जो लोकल भी नहीं है, जो पूरी दुनिया में 32 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है ये आए हुए हैं। और अभी भी हमें ये ख़तरा है कि एक दो दिन में ईरान के रास्ते ग्वादर मस्कत से होते हुए और भी दाखिल होंगे और यहाँ पे हमारे जो लोकस्ट जो यहाँ पे उन्होंने ब्रीडिंग दी है, कम अज़ कम 15 लाख एक्टर्स पे हम लोग हमारी डिपार्टमेंट ने स्प्रे किया है और उसमें 3,80,000 एक्टर पे हमने कंट्रोल सर्वे स्प्रे किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे ज़मींदार इससे बहुत मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान का 80% लोगों का दारोमदार जो है वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक से हैं। लाइफ स्टॉक जब टड्डी दिल एग्रीकल्चर को ख़राब करेंगे खाएँगे और उसके साथ जब जंगलात को ख़राब करेंगे तो हमारे लाइफ स्टॉक, हमारे माल मवेशी भी जो है उनको खाना नहीं मिलेगा, वो मुतासर हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट पोजिशन यही है कि हमारे जितने भी ज़िले हैं वो 32 ज़िले में जो है अभी लोकस्ट मौजूद है और इससे हमारे ज़मींदार के दरख्त टोटल उन्होंने खा लिए। हमारे ज़मीन के अंदर अगर राइस है, गंदम है, आलू है, प्याज है, किसी चीज़ को इन्होंने नहीं छोड़ा है। यहाँ तक उनको मैंने ख़ुद कोई 7-8 ज़िलों का जो हमारे आस पास है, 15 दिन से मैंने इनका सर्वे किया, मैं खुद गया, ज़मींदारों से मिला, हमारे ज़िया साहब ख़ुद ज़मींदार हैं, इनके इलाके में मैं गया, खालिकाबाद, कलात, इनका ज़िला देखा। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, चेरी के बाग, सेब के बाग, आड़ू के बाग और वहाँ पे जो उन्होंने अभी कुछ वहाँ पे जहरी का जो गर्म इलाका है वहाँ पे जो चावल लग रहा है, उन्होंने मुझे बताया कि हम चावल नहीं लगा सकते हैं टड्डी दिल के डर से कि वो उनको भी तबाह कर देगा। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ इसमें मुकम्मल तआवुन कर रहा है और भी करे, क्योंकि हमारे पास महदूद वसाइल है, हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है जिससे हम अपने बलूचिस्तान को जो है कंट्रोल कर सकें टड्डी दिल में। इसमें उन्होंने हमारे साथ ग्रांट दे रहे हैं, आज भी NDMA का NLC का वफद आया था, हमारे डिपार्टमेंट ने उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने इस पे हमारे साथ एग्री किया कि हम बलूचिस्तान के खसूसी पैकेज देंगे टड्डी दिल के हवाले से। और उन्होंने ये भी हमारे साथ वादा किया कि आप इन ज़िलों के नुकसानात जो है उनका जो है पूरा तफसील दे दें, उनका सर्वे कर लें, उन ज़मींदारों का जिनका नुकसान हुआ है। तो इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि उन ज़मींदारों का जो है वो अजाला कर लें और वो एरिया जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए उनको आफतज़दा करार दिया जाए वफाकी हुकूमत से, क्योंकि टड्डी दिल जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लान प्रोटेक्शन का काम है, लेकिन उसका जो है अभी ये पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो इसमें NDMA, NLC और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, PDMA सब मिलकर अभी इनको कंट्रोल कर रहे हैं। एक बहुत बड़े स्वार्म आ रहे हैं, इतने लाखों की तादाद में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम और हमारी बलूचिस्तान हुकूमत जाम साहब की क़यादत में और हमारे ज़िया साहब हैं, हमारे होम मिनिस्टर्स हैं और PDMA के मिनिस्टर्स हैं और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारे साथ वफाक जो है वो मुकम्मल तआवुन करेंगे और उम्मीद है कि हम इस पर कंट्रोल पा लें। अभी तक जो है हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे इंचार्ज जो होता है वो डिप्टी डायरेक्टर होता है एक्सटेंशन का, उनको हमारे रिटर्न हमने हिदायत जारी की है। इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर जो अभी तक नुकसान हुए हैं वो हमें मौसूल हो जाएगा और इंशाल्लाह हम फिर उसको मीडिया पर भी दिखाएँगे और वफाक को भी भेजेंगे और अपने सूबाई जो हमारी गवर्नमेंट है उनको भी देंगे और सूबाई हुकूमत भी इस दफ़ा इंशाल्लाह एग्रीकल्चर जो है ये एक मैशियत का एक रेड की हड्डी की हैसियत रखती है। एक इलाके को अगर आपने उठाना है
बलूचिस्तान हो चाहे पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, तो आपने एग्रीकल्चर को उठाना है, लाइफ स्टॉक को उठाना है। तो अभी ये कोविड 19 की वजह से जो बेरोजगारी हुई है, जो लोगों में जो एक एहसास महरूमी पैदा हुई है, जो हमारे ज़मींदार इनसे तबाह हुए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम इस दफ़ा एग्रीकल्चर को उठाएंगे, साथ लाइफ स्टॉक को उठाएंगे, और वो साथ वो महकमे जो मैशियत को मजबूत कर सकती है हम उनको भी उठा लेंगे, कि यहाँ पे बेरोजगारी भी कमी हो और ज़मींदार को भी हम सपोर्ट दे सकें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़िला वाइज उनको अफजदा कराया जाए, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुए हैं, मैं अभी आपको बता दूँ कि 10 ज़िले जो है नेशनल एक्शन प्लान के तहत उन्होंने उनको जो है उनकी निशानदेही की है। अभी उसके बाद कोई 15-20 ज़िले और भी ज़्यादा जिसमें बाद में लोकस्ट आए, हमने भी कहा कि उनको भी नेशनल एक्शन प्लान के तहत उसको में शामिल किया जाए। हम अभी वो लिस्ट भी बना रहे हैं, और ज़्यादातर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी हुआ है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 70% जो है नुकसान हुए हैं, 30% रह गए, किसी डिस्ट्रिक्ट में 30% नुकसान हुए हैं, 70% बच गए। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको जो है लेंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका मुकम्मल हम डेटा इकट्ठा करके फिर जो है इंशाल्लाह हम आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी देंगे और फेडरल गवर्नमेंट को भी देंगे और PDMA को भी देंगे कि इसमें हमारे साथ ताउन करें, और हमारे साथ नहीं उन ज़मींदारों के साथ ताउन करें जो इनसे मुतासर हुए।